Hi friends, welcome back again to my channel PK the Green Chef. So today in PK the Green Chef kitchen we are going to make a immunity booster makhana coconut laddu. It's a very beneficial laddu. It's good for health. It contains lot of calcium, phosphorus and lot of things also. Hope you like it. So let's start the देखते हैं मखाने के लड्डू बनाने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। आप सबको पता है कि मखाना बहुत ही कैल्शियम रिच होता है तो, और इट्स अ इम्यूनिटी बूस्टर, तो हम आज इसी के लड्डू बनाएंगे जो आप उसको इजिली खा सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी होते हैं और बहुत ही यमी बनते हैं। आइए देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर मैंने एक बाउल मखाना लिया है, ये मेरा 70-100 ग्राम के करीब मखाना है। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर लिया इलायची पाउडर, 1 स्मॉल बाउल यहाँ पर मैंने लिया है कोकोनट, इट्स अ ड्राई कोकोनट, आप इसको मान के चलिए मेरे पास 2-3 टेबलस्पून है ये। उसके बाद मैंने 1 कप लिया है यहाँ पर बाउल में पाउडर शुगर। शुगर हमने अभी 1 कप लिया है, ये मीठा आपको तेज पसंद है तो उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा कर सकते हैं, कम पसंद है तो लेस कर सकते हैं। 5-6 यहाँ पर टेबलस्पून है मेरे पास मिल्क, और ये लिया है मैंने कुछ ड्राई फ्रूट जिसको मैंने स्मॉल क्रॉस पीसेस में कट कर रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं मखाना के लड्डू बनाना। यहाँ मैंने एक अपनी कढ़ाई ले ली है, सबसे पहले मैं इसके अंदर 1 टीस्पून अपना डाल रही हूँ घी। जैसे घी मेरा मेल्ट हो जाएगा हम इसमें डालेंगे अपने मखाने और इसको हम 2 मिनट्स के लिए अच्छे से रोस्ट करेंगे जिससे कि ये क्रिस्पी हो जाए। 2 मिनट्स तक आपको इसको रोस्ट करना है। ये देखिए 2 मिनट हो गए हैं मेरे अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब मैं फ्लेम को बंद करके इसको मिक्सी में पीस लेती हूँ। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया मखाना को। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम मैंने ऑन करा दोबारा से और जो मेरा कोकोनट था ड्राई कोकोनट इसको भी मैं 1 मिनट के लिए रोस्ट करूँगी। अभी हमने कोई भी इसके अंदर घी नहीं डाला है, सिंपल मेरी ड्राई कढ़ाई है उसमें हम इसको रोस्ट करेंगे 1 मिनट के लिए। ज़्यादा नहीं करना है हमें, इसको ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा रोस्ट कर ले। अब मैं इस जो मेरा मखाना है इसमें मैं जो मैंने कोकोनट को रोस्ट किया था वो मैं इसमें ट्रांसफ़र कर देती हूँ। ये देखिए इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कोकोनट की, पूछिए मत। ये देखिए ये मैंने इसमें रोस्ट किया हुआ कोकोनट भी डाल दिया है। बहुत ही कैल्शियम फास्फोरस रिच इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू आज हम बना रहे हैं। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे इलायची पाउडर, ये मैंने डाल दिया अपना इलायची पाउडर। उसके बाद जाएगा मेरा नट्स, मिक्स नट्स हैं यहाँ पर, मैंने अखरोट लिया है और बादाम लिए हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हम डालेंगे शुगर, शुगर एकदम सारी मत डालिएगा, बहुत तेज मीठा ना हो जाए। अब थोड़ी डाली अभी, ये वाले 2 टेबलस्पून मैं डालती हूँ और उसके बाद अगर मुझे नीड होगी तो मैं डालूँगी, नहीं तो नहीं डालूँगी। इसको एक बारी मैं अच्छे से मिक्स देती हूँ। देखिए इस टाइप से हम मिक्स करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो मैंने मिल्क लिया ये धीरे धीरे डालेंगे इसको पाइंड करने के लिए। इसको मैं अच्छे से इस टाइप से हिलाऊंगी। यहाँ पर आप मावा भी यूज कर सकते हैं, कंडेंस मिल्क भी यूज कर सकते हैं, उस केस में आपको चीनी नहीं डालनी पड़ेगी और मिल्क भी यूज नहीं करना पड़ेगा, वो खुद में बहुत मीठा होता है। इस टाइप से धीरे धीरे डालना है, एकदम नहीं डालेंगे, हमें बाइंडिंग बनानी है मिल्क की लड्डू के लिए। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, देखिए कितना अच्छा मिक्स हो गया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून अपना घी, देखिए, और इसको दोबारा से हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमारा प्रॉपर मिक्स हो गया। अब हम बनाते हैं इसके लड्डू, चलिए लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं।
मैंने ट्रे ले ली है अपनी। सिंपल आपको क्या करना है, ये उठाना है और इस टाइप से अपने लड्डू को बाइंड करना है, जो भी आपको साइज बनाना है छोटा बड़ा वो बनाइए। ऐसे करके इसको रोल कर दीजिए, देखिए कितनी बढ़िया ये हमारे लड्डू रेडी हो रहे हैं। इसी टाइप से मैं सारे लड्डू को शेप दे दूंगी। इस टाइप से आप इसको रोल करिए, कोई भी आपको घी लगाने की जरूरत नहीं है, हाथ पे इजीली बाइंड हो जाते हैं। ये देखिए इसी टाइप से हम सारे लड्डू को रेडी कर लेते हैं। ये देखिए हमारे लड्डू परफेक्टली रेडी हो गए हैं। इम्यूनिटी बूस्टर मखाना कोकोनट लड्डू इज रेडी टू सर्व। इट्स अ वेरी इंस्टेंट रेसिपी, होप यू लाइक इट। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल पीके द ग्रीन शेफ एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड स्टे ट्यून्ड अस फॉर यमी एंड टेम्प्टिंग रेसिपी।